मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका, 400 बीसी में नंबर वन है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है, मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में सीईओ थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले, बहुत चालू चीज है ये। ये छोटे उस्ताद एसएन शर्मा टीम सर। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है, कुत्ती चीज है ये। ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल, नाम बड़ा सुंदर है इनका लेकिन कर्म कंस जैसा। सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी है, मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना, कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी, टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन है तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा। घर भाड़े पे दोगे? ए पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़ कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहाँ नहीं गए। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार?
जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे मैं जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक MLA आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। MLA साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस, चलिए सर। राइट। सर आप MLA हैं? हाँ, MLA महान लक्षणों वाला। देखा ना, अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे MLA यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ के MLA है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। आई हेट पॉलिटिशियंस। MLA साहब जिंदाबाद। MLA साहब जिंदाबाद। MLA साहब जिंदाबाद। MLA साहब जिंदाबाद। सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे MLA समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। व्हाट? मैं रेडी हूं। रोल कैमरा एक्शन। कट 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 सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो? मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है, सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फूलिश स्मिता, इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना। साहब 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 साहब, रुकिए साहब। नमस्ते साहब, दिवाली का बोनस दीजिए। कौन है तू? साहब मैं सब्जियां बेचता हूँ, 4 साल से तो देख रहे हैं आप। ठीक है जा। साहब जी, हनी मालकी नहीं है क्या? हनी तेरी नहीं मेरी है बे। कौन है बे तू? मैं इस्त्री वाला हूँ, आपके शर्ट का कॉलर जल गया था इसलिए कपड़े देना बंद कर दिए। मालकिन को थोड़ा बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। हाँ। जा। जुड़ने लगी है कड़ी से कड़ी, देखो ये जुर्म के सारे पक्के सबूत मिले। सच है क्या ये सामने आया रे, अब तो ना कोई बचेगा अदालत में। होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे होगा रे। सर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। सब होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे होगा रे होगा रे, सब होगा रे न्याय।
न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे, होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे। कब्जा, यहाँ किसने कब्जा किया? देखिए, ये पहले सुन का है, आपने और आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने केस किया है। ये रहा उसका नोटिस। किसने केस किया भाई? बोलो तो अभी मार के फेंक देता हूँ। हनी, ये हमारे प्यार की निशानी है, इस पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम जीतेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। हे, हमने चाहे कितने भी कब्जे की हो, लेकिन ये ईमानदारी का है, सब लीगल है, कोर्ट में देख लेंगे। ओके सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगाकर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है, लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? ये राशन कार्ड क्या कह रहा है? ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है, लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, ये मेरा घर है सर, आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो, लाल गमछा। हाँ सर। थर्ड रो। तुम नहीं, बैठो बगल वाला। हाँ हाँ, तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है, एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह, तो बताओ इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए, झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना, और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं के आदमी है। जज साहब, मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता, इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी, हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे CCTV कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जज साहब आपने? मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है, ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? हैं? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टावी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर हैं, तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के CCTV फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए, मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर।
अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापिस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल है उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। हाँ?